थिंग्स विच शुड बी अवॉइडेड, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं इस 45 डेज में. सबसे ज़्यादा थिंग अभी आप देखेंगे कि लाइव सेशन शुरू हो जाएंगे कि हाँ ओपन लाइव ओपन सेशन है, ओपन सेशन ऑन यूट्यूब ऑन दिस थिंग और दैट थिंग. ओके, उसमें क्या देखेंगे, अगर आप बिल्कुल जीरो हैं तब तो आपको बेनिफिट होगा, लेकिन आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर वेस्ट ऑफ टाइम. मोस्ट ऑफ द टाइम आप दो तीन घंटे चार घंटे आपके वेस्ट हो जाएंगे और आपको कुछ समझ नहीं लगेगा. ओके, सो अनलेस एंटल यू आर श्योर अबाउट वट इज गोइंग टू बी कवर्ड, डोंट अटेंड दैम. अगर आप कह रहे हैं कि ओपन सेशन ऑन द फाइनेंस, डोंट अटेंड दैट. ओपन सेशन ऑन द ESI, डोंट अटेंड दैट. अगर वो स्पेसिफिक होते ओपन सेशन ऑन द बॉन्ड प्राइसिंग और आपको बॉन्ड प्राइसिंग नहीं पता, तब अटेंड कीजिए. ओपन सेशन ऑन द स्कीम्स और आपको नहीं स्कीम्स पता, तब अटेंड कीजिए. तो दैट शुड बी डन लाइक दिस. ओके, डोंट गो फॉर द ओपन सेशन ब्लाइंडली, दैट कैन कॉस्ट यू अ लॉट. अनदर थिंग विच शुड बी अवॉइडेड, और ये चीज़ क्या जो मोस्टली, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आया, आई स्टार्टिंग गेट लॉट्स ऑफ मैसेज एंड कॉल्स कि सर स्ट्रेटजी बताओ 45 डेज का, सर कोई ओपन सेशन करवा दो, कुछ ये कर दो वो कर दो. मैंने ये नहीं, आपको अपना स्ट्रेटजी बनाना है, फिर आपको सोर्स का, पहले अपना स्ट्रेटजी बनाओ. देखो आपका टॉप, आपका बॉन्ड वीक है, बॉन्ड प्राइसिंग नहीं आता है, उसको लिखो, फिर बॉन्ड प्राइसिंग का सेशन हो रहा है तो अटेंड करो, नहीं तो मत करो. ओके, डोंट गेट फुलिश ऑन द नेम ऑफ द ओपन सेशंस. मैंने देखा बहुत वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाता है. करंट अफेयर वीडियोस, अब एक दूसरी चीज़ तो करंट अफेयर वीडियो के पीछे भागते हैं, भैया करंट अफेयर वीडियो दे दो. भाई करंट अफेयर वीडियो क्या देंगे, किस तरह के करंट, अगर फेज़ वन की बात करूँ उसके वीडियो अगर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो दैट इज़ अ फुलिश थिंग, कि उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है. ओके, जिस जस्ट अ वर्बेटिम ऑफ न्यूज़पेपर और PIB का वर्बेटिम होता है. बेस्ट होता है अगर आपको रीड करो तो, एक तो दिमाग में ज़्यादा बैठता है. ओके, क्योंकि जब रीड करते हो तो पिक्चर बन जाती है दिमाग में. ओके, सो दूसरी बात, आपको रीड करोगे तो थोड़ा सा जल्दी होता है वो काम. आई फील इट पर्सनली, थोड़ा जल्दी काम होता है रेदर देन वीडियो. और रीड करने में सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा, आपका इंग्लिश का प्रिपरेशन बहुत अच्छा होगा. सेकंड थिंग जो आपका होगा, आपका ऐसी राइटिंग थोड़ा सा बनेगा, सेंटेंस पढ़ते हैं तो फिर थोड़ा दिमाग में चीज़ें बैठती हैं. ओके, जो राइट करोगे लाइन लोगे, अगर स्टेंस पढ़ोगे तो राइट करने में, वो सेंटेंस बनाने में आसानी रहती है. तो डोंट रन बिहाइंड द करंट अफेयर वीडियोस. करंट अफेयर वीडियो प्रोवाइड करो. क्या करंट अफेयर वीडियो में, हाँ कुछ करंट अफेयर वीडियो अच्छे होते हैं, जैसे कि कुछ करंट अफेयर वीडियो का कुछ बैकग्राउंड स्टडी होता है. ओके, जैसे मैंने आए थे ओपेक का एग्जांपल दिया आपको. ओपेक जो कंट्रीज हैं, जो कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं. ओके, सो वो क्या करती हैं कि जैसे वो कट कर देती हैं सप्लाई, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है ऑयल का, और जब सप्लाई को इंक्रीज़ करते हो प्राइस कम हो जाता है. तो उसी तरह से डिमांड वालों ने भी एक आपका क्लस्टर बनाने की कोशिश करी है. ओके, तो अकॉर्डिंगली दे विल वर्क. तो अब इसका क्या इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस है वो होगा, जैसे अब रुपीज़ की बात करते हैं, रुपीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा गिर रहा है. ओके, और डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है, देर आर वेरियस रीज़न, इकोनॉमिक रीज़न. तो उसको समझाते हुए करंट अफेयर का वीडियो तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने देखा जो करंट अफेयर का वीडियो आजकल होते हैं वो वर्बेटिम होते हैं. PIB का न्यूज़ उठाएंगे, उसको ऐसे कैसे चेप देंगे, वो वर्बेटिम, मतलब जो उसमें लिखा है वो पढ़ देते हैं. दैट इज़ अ वेस्टेज, टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम. बेटर होगा किसी, देर आर लॉट्स ऑफ वेबसाइट जो कि करंट अफेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका करंट अफेयर और पढ़ डालो उसको. ओके, और जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसे निशान लगा के अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो. देयर इज अनदर थिंग इज विच यू शुड अवॉइड, जस्ट टेम्पटिंग द टेस्ट नोट. ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि टेस्ट करते जाते हैं, उसको एनालाइज करते नहीं है, या बहुत ही बुरा टेस्ट होता है तो एनालाइज करते, कौन एनालाइज करेगा, छोड़ो. ऐसा बिल्कुल मत करो. एनालाइज योर टेस्ट, बिल्कुल ही जीरो आए या बिल्कुल ही 100/100 नंबर है, एनालाइज बहुत करना. नहीं करोगे तो टेस्ट टेकिंग एक्सरसाइज इज टोटल फेल्ड एक्सरसाइज, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी है. फॉलोइंग समबडी प्लानिंग, ये जो मैंने बताया कि लोग कहते हैं कि इस दिन ये पढ़ो वो पढ़ो, किसी और की प्लानिंग मत पढ़ो, अपनी खुद प्लानिंग. हाई फ्रेमवर्क उस हिसाब से बनाओ कि ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, ऐसे बनाओ. लगभग एक दिन पूरा बर्बाद कर दो इस पर, बर्बाद नहीं बोलता मैं इसको, बर्बाद नहीं कहूँगा, लेकिन फ्रॉम द टाइम ऑफ कि आपका सिलेबस ना कवर हो, कि स्ट्रेटजी बना रहे हो, एक दिन लग जाएगा, लग जाने दो, लेकिन आपकी यूनिक स्ट्रेटजी रहेगी, फिर उस स्ट्रेटजी पर स्टिक रहोगे तो दैट वुड बी गिव्स यू लॉट्स ऑफ बेनिफिट. नेक्स्ट ही फॉलोइंग वीडियो क्लेमिंग शॉर्टकट मेथड, देर इज अ लॉट्स ऑफ वीडियो की शॉर्टकट मेथड शुरू हो जाएंगे कि रीजनिंग के, ब्लड रिलेशन के शॉर्टकट मेथड. उसके बाद देखते हैं तो लगता है कुछ शॉर्टकट तो है नहीं, सिंपल चीज़ है. ऐसा कुछ मेथड नहीं होते शॉर्टकट, कुछ शॉर्टकट मेथड होते हैं, कुछ शॉर्टकट मेथड होते हैं, और वो इंश्योर कि आप कोई स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं या फिर कुछ भी गुड क्वांटिटी मटेरियल अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो वो शॉर्टकट मेथड अपने आप पिक्चर में आ जाते हैं. उसके लिए कोई ऐसा शॉर्टकट मेथड नहीं है, हर किसी एग्जाम के लिए बहुत बहुत कम शॉर्टकट मेथड होते हैं. ओके, और शॉर्टकट मेथड भी आँख मीच के नहीं लगता है, वो भी कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में रखते हैं.
ओके वो पर्टिकुलर कंडीशन का क्वेश्चन में आएगा नहीं आएगा कोई फायदा नहीं है। हाँ एक शॉर्टकट कैलकुलेशन बेस्ड जो होता है थोड़ा सा शॉर्टकट उसमें रहता है, वो डिस्कस करो, नेट पे बतेरे वीडियो पड़े हैं या अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो कि थोड़ा सा कैलकुलेशन वैदिक मैथमेटिक्स के पीछे मत पढ़ना उसके, थोड़ा कैलकुलेशन से थोड़ा आसान हो जाता है। ओके कैलकुलेशन मतलब जैसे आपको 33% और समथिंग निकालना तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके इस तरह की चीज़ के शॉर्टकट थोड़े बहुत रहते हैं जो कि विच कैन बी फॉलोड। ओके लेकिन स्पेशली शॉर्टकट मेथड ढूंढने के लिए आप भागोगे ब्लड रिलेशनशिप में, शॉर्टकट मेथड वो नहीं कोई सी काम का नहीं है। ओके नाउ सर्चिंग टू मच ऑन इंटरनेट, अब इस टाइम पे क्या रहता है कि लोग इंटरनेट पे सर्चिंग का टाइम ज़्यादा लगाते हैं कि ये सर्च कर लो वो सर्च कर लो ये देख लो वो देख लो, इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। बेटर क्या है सबसे, और बहुत बहुत बड़े लोग ये गलती करते हैं वो मेटेरियली सर्च करते रह जाते हैं जब तक एग्ज़ाम का टाइम निकल जाता है। बेटर कि एक दिन लगा दो अपना कि हाँ मैं यहाँ से ये टॉपिक पढ़ूंगा, यहाँ से ये टॉपिक पढ़ूंगा, यहाँ से ये टॉपिक पढ़ूंगा, इस दिन ये टॉपिक, एक दिन लगा लो उस पर पूरा बना लो कि हाँ ये चीज़ें, फिर उसको फॉलो करो, हार्डली फॉलो करो उसको। अब ऐसा नहीं है कि शक करो, उस 100% कॉन्फिडेंस के साथ फॉलो करोगे तो अच्छा होगा ही होगा। ओके तो दिस द थिंग, नाउ दिस इज अबाउट द थिंग। तो अभी समराइज करूँ और चीज़ को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगेन आई एम रिपीटिंग कि परफॉर्मेंस मैट्रिक इज मच इंपॉर्टेंट फॉर द फेज़ वन, एटलीस्ट फेज़ वन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है परफॉर्मेंस मैट्रिक। फेज़ टू के लिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं कि इसमें हम सब्जेक्ट अलग अलग नहीं कर सकते, अलग अलग टॉपिक नहीं बना सकते, तो इसलिए वो परफॉर्मेंस मैट्रिक इतना फिजिबल नहीं है, लेकिन फेज़ वन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड एक खुद का प्लान बनाओ कि मैं एक दिन ये करूँगा, इस दिन ये कवर करूँगा, इस दिन ये करूँगा, उसको फॉलो करो। थर्ड थिंग इन चीज़ों को अवॉइड करो क्योंकि ये चीज़ें बहुत टाइम वेस्ट करने वाली है आपका, मैं लिख के दे सकता हूँ। आई एम श्योर दैट अगर 100 पीपल इस वीडियो को सुन रहे हैं उसमें से 50 पीपल सुनने के बावजूद भी इन चीज़ों पर टाइम वेस्ट करेंगे। ओके मोर देन 50% पीपल। ओके रीजन बींग इज दैट इज कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होना। ओके एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, थैंक यू टू वेरी मच एंड एन्जॉय दिस प्रिपरेशन, इट यू विल डेफिनेटली एन्जॉय इट। ओके एंड फन की तरह इसको करो, टारगेट सेट करो, ये जितने क्वेश्चन करने 50 में थे कितने आगे, जैसे जब फीफा में आप गोल ना खेलते हुए भी फुटबॉल उसके स्कोर से खुश हो सकते हैं। ओके तो वाई नॉट वाइल गिविंग द टेस्ट आप अपने स्कोर से क्यों नहीं खुश हो सकते, दिस इज द मंत्रा कि स्कोरिंग से अपने अचीवमेंट और फेलियर को जज करते चलो, आगे चलते चलो, दैट विल बी डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट। बी ऑनेस्ट यूर सेल्फ, प्रिपेयर वेल, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। इन केस ऑफ एनी डाउट, एनीथिंग यू वॉन्ट टू आस्क, प्लीज आस्क इन द कमेंट।